आज हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर। जो पार्ट हमने छोड़ा था वहाँ से कवर करते हैं। वी वर ऑन द पार्ट ऑफ एस्कोमाइसिटिस, जहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स जो है ये एस्कोस्पोर्स होते हैं और एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड मतलब अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एक्सो मतलब आउटसाइड, ओके, एंडो मतलब इनसाइड, ओके। इसके अलावा ये कहाँ पे इनसाइड मतलब एस्काई, ऐसे जो सैकलेक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर, ओके। ये जो एस्काई सैकलेक स्ट्रक्चर है इसे हम अरेंज कैसे करते हैं, इसे अरेंज करने वाला स्ट्रक्चर होता है फ्रूटिंग बॉडी, और ये फ्रूटिंग बॉडी को यहाँ पे हम नाम देते हैं एस्कोकार्प्स, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये देखो सपोज ये सैकलेक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो है ये है एस्कोस्पोर्स, और ये जो सैकलेक स्ट्रक्चर जिसे हमने कहा एस्काई, इसे अगर हम बहुत सारे लेके अरेंज कर रहे हैं, ये साथ में मिलके जो फॉर्म करता है ये है एस्कोकार्प, ओके। और ये जो स्पोर्स है ये एस्कोस्पोर्स है। तो ये जो है बेसिकली पैराग्राफ का समरी है। उसके अलावा एग्जांपल एस्परजिलस दिया है, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है करके, इसे जेनेटिकली और बायोटिक बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए यूज़ किया है। एडिबल मतलब जो खाया जा सकता है वैसे फंगाई है मॉरल्स एंड ट्रफल्स। द थर्ड कैटेगरी में जो आता है वो है बैसिडियोमाइसिटीज, ये इसमें मशरूम आते हैं, ब्रैकेट फंजाई आते हैं या फिर पफ बॉल्स, ये एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं, जैसे कि सॉइल में लॉग मतलब ट्रीज़ के जो वुड पे ट्री स्टम्स पे एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। रस्ट और स्मट भी एग्जांपल होते हैं बैसिडियोमाइसिटीज के। इसका माइसीलियम जो है ये ब्रांच्ड होता है, माइसीलियम हमने देखा था, ओके। अगर ब्रांच्ड होता है तो ये लोग ब्रांचेस फॉर्म करते हैं ऐसे कह रहे हैं। और सेप्टेट, सेप्टेट मतलब यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है, तो एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ये सेप्टेट है। दी एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, तो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हमने देखा एस्कोमाइसिटीज में था कुनीडिया, लेकिन यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन्स की बात की जाए तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पे जो है ये एबसेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं है, एबसेंट है। तो प्लास्मोगैमी कैसे करते हैं, प्लास्मोगैमी करने के लिए ये लोग फ्यूजन करते हैं टू वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल्स, मतलब सेक्सुअल कुछ नहीं है यहाँ पे, सब वेजिटेटिव है या फिर सोमैटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। और ये दूसरे स्ट्रेन के या फिर दूसरे जीनोटाइप्स के होने चाहिए जो दो हम फ्यूज़ करने वाले हैं। जो रिजल्टेंट है वो डाइकैरियोटिक, मतलब जो सेल फ्यूज़ करेंगे ना उसके बाद न्यूक्लियस इमीजिएटली फ्यूज़ नहीं करते। सपोज़ ये एक सेल था और ये एक सेल था, ये फ्यूज़ होके ऐसे कंबाइन होगा, न्यूक्लियस इमीजिएटली कंबाइन नहीं होगा, तो ये स्टेज को हम डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। थोड़े समय बाद न्यूक्लियस भी फ्यूज़ होगा और ये कंप्लीट सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, ओके, विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बैसिडियम, ओके। उसके बाद कह रहे हैं कि कैरियोगैमी और मियोसिस बाद में हो जाता है एंड बैसिडियम में होने के बाद चार बैसिडियोस्पोर्स हमें मिल जाता है। तो ये याद रखना है, चार बैसिडियोस्पोर्स ऑब्टेन होता है। जो बैसिडियोस्पोर्स ऑब्टेन होते हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड, ये बाहर जो है रूटिंग बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होते हैं। वैसे एस्कोमाइसिटीज में अंदर थे, यहाँ पे बाहर थे, और ये बैसिडियम पे, ओके। तो ये जो है बैसिडियम है स्ट्रक्चर, और ये बैसिडियोस्पोर्स है, और जब बैसिडियम बहुत सारे रहते हैं उन्हें अरेंज करने का मेथड जो होता है वो बैसिडियो कार्प होता है, फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं, ओके, फ्रूटिंग बॉडी बैसिडियो कार्प। एग्जाम्पल दिया है अगारिकस मशरूम, उस्तिलागोस्मत एंड पुशीनिया दैट इज रस्ट फंगस। फोर्थ वाला जो है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज, यहाँ पे केवल एसेक्सुअल जो फंगस होते हैं सारे एसेक्सुअल फंगस को यहाँ पे लेके आते हैं। अगर कोई भी सेक्सुअल मिला, यहाँ पे लिखा है देखो, अगर कोई भी सेक्सुअल मिला लेटर ऑन देन उसे निकाल के वापस से सेक्सुअल स्टेजेस में डालते हैं, जैसे एस्को या फिर बैसिडियो में डाल देते हैं, लेकिन सिर्फ एसेक्सुअल रहा तो ही, इसलिए इसे इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। ओनली एसेक्सुअल स्पोर्स जैसे कि कुनीडिया, सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम होता है, ओके। ऑलमोस्ट सब में सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, एक्सेप्ट कौन सा वाला, द फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कौन सा पता है, फाइकोमाइसिटीज, या फिर उसे हम ओमाइसिटीज भी कहते हैं, ओके, अलग अलग नाम है। उसके अलावा कुछ मेंबर्स होते हैं जो सैप्रोफाइट्स होते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन इनमें से काफ़ी ज़्यादा जो है लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लेटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
उसके अलावा एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, कैट करके याद रख दो, ओके, कोलेक्टोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। अभी जो आगे बात करने वाले किंगडम प्लांट में सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं जो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, ओके। ब्लैडर वर्म एंड वीनस फ्लाइट्रैप इंसेक्टिवोरस में आते हैं, कस्क्यूटा जो है ये पैरासाइट में आता है, ये सारे प्लांट्स के एग्जाम्पल्स ही है। ये हम आगे चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं, वैसे बोल रहे हैं। प्लांट्स का लाइफ साइकिल देखें तो बेसिकली डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक, ये दो स्टेजेस के बीच में ऑल्टरनेशन होता है, ये भी हम आगे देखेंगे चैप्टर में, तो इसलिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किंगडम एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल वॉल्स एब्सेंट होते हैं, ये लोग फूड का डाइजेशन जो है अपने बॉडी के अंदर कैविटी के अंदर करते हैं, और ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन या फिर फैट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमने देखा था स्टार्टिंग में, बाकी सारे बेसिक बताया कि न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है, कैसे ग्रोथ पैटर्न होता है, ओके, साइज और शेप के बारे में बताया है, लोकोमोशन कर सकते हैं, उनमें कॉप्यूलेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त, और कैसे फाइलास प्रेजेंट है, वो सारे 4 चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो टॉपिक आ रहा है इसके बारे में, इसके इन चारों के बारे में किसने बात नहीं किया था, विटेकर ने। हमने देखा विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये लोग का डिस्कशन ही नहीं हुआ, तो यही बता रहा है विटेकर ने कोई मेंशन नहीं किया इसके बारे में। ए सेलुलर में कौन कौन आते हैं, वायरस, वायरोइड्स, प्रायोन्स। लाइकन्स ए सेलुलर में नहीं आता, कन्फ्यूज नहीं करना। उसके अलावा यहाँ पे बोल रहे हैं कि वायरस नॉन सेलुलर, मतलब ए सेलुलर भी कह सकते हैं, जिसमें सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हाँ, और इसके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आउटसाइड लिविंग सेल। अगर हमारे अंदर अब तक वायरस आया नहीं है तो बाहर वो कैसे एग्जिस्ट करता है, एक क्रिस्टलाइन इनर्ट स्ट्रक्चर, इनर्ट मतलब कुछ काम नहीं कर सकता वो। यहाँ पे दो डायग्राम दिया है, पहले डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर रेड में दिया है ये आरएनए है, और ये जो है कैप्सिड प्रोटीन के, और ईच यूनिट को हम कैप्सोमियर कहते हैं। उसके बाद ये जो है ये टोबेको मोज़ेक वायरस की बात कर रहे हैं, और ये बैक्टेरियोफेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला है, ओके। यहाँ पे इसका हेड, कॉलर, शीथ एंड टेल फाइबर्स के बारे में बताया है डायग्राम में। अभी आगे देखें तो ये वायरस की बात कर रहे हैं, अगर वो सेल को इन्फेक्ट करेगा तो वो होस्ट सेल के मशीनरी को ओवर, मतलब पूरे सेल का काम जो है ये वायरस अपने ऊपर ही ले लेगा, ओके। उसके अलावा डिमित्री इवानोव्स्की, ओके, इन्होंने रिकग्नाइज किया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिससे टोबेको मोज़ेक वायरस कॉज कर रहे थे, और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, ऐसे फिल्टर होते हैं जिससे बैक्टीरिया जो है पास नहीं करते, मतलब इतने छोटे साइज़ के होते हैं उससे भी ये पास कर पाए ऐसे, इसलिए तो ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं ऐसे पता चला। उसके बाद सेकेंड साइंटिस्ट जो है ये है M.W. बेजर ने, कि फर्स्ट थे इसने, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट जो टोबेको था उसके इन्फेक्शन को स्टडी किया, ओके, और उन्होंने एक नए पैथोजन को नाम दिया जिसे वायरस कहते हैं, और उन्होंने वो वायरस को बुलाया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ओके। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट जो है स्टैनली, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया और देखा कि क्रिस्टल्स में ज़्यादातर प्रोटीन्स ही पाए जाते हैं, ये लोग होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं, मतलब कुछ भी काम नहीं कर सकते। वायरस ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी पैरासाइट है, अगर वो एक ऑर्गेनिज्म में आता है तो वो तभी ही काम कर पाता है, उसके बाहर वो काम नहीं करता, इसलिए उसे एक ऑर्गेनिज्म की गरज होती है, इसलिए वो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स कहा जाते हैं। आगे देखें तो प्रोटीन्स के अलावा वायरस भी एक जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, जो आरएनए हो सकता है या डीएनए, ऐसे नहीं है कि दोनों नहीं हो सकते, यही बताया ये पॉइंट। वायरस जो है वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और उसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शस होता है, वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं तो उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो एनिमल्स को करते हैं उसके पास सिंगल या फिर डबल आरएनए या फिर डबल डीएनए, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला डबल डीएनए। तो यहाँ पे 3 ऐसे बना के लिख दो सिंप्लीफाई करके, प्लांट, बैक्टीरिया और एनिमल्स। प्लांट की बात करें तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए लिखो, बैक्टीरिया का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन एनिमल्स को क्या दिया है, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी
डबल स्टैंडर्ड डीएनए हे दिलं आहे. तर हमें ये क्या पता चलता है यहाँ पे कि बेसिकली कौन कौन से वायरस कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल. उसके अलावा देखें तो द प्रोटीन कोट विच इज़ देयर, ये कैप्सिड से बना था, हमने डायग्राम में भी देखा. और उसके यूनिट्स को कैप्सियोमियर कहते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है. इसे कैसे अरेंज किया है, हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में. वायरसेस अलग डिजीज कॉज करते हैं जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, एड्स भी कॉज करते हैं. प्लांट्स में वायरस के वजह से जो जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन, ओके, लीव्स पे मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाता है, लीफ का रोलिंग हो जाता है या फिर कर्लिंग हो जाता है, येलोइंग होता है लीफ में, वेन क्लियरिंग होता है, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ कंप्लीट नहीं होता, शॉर्ट ग्रोथ होता है. उसके अलावा लास्ट में, लास्ट पैरा में बताया कि वायरॉइड्स क्या होते हैं, किन्होंने डिस्कवर किया, टीओ डीनर ने. ये वायरस से भी छोटे होते हैं, इनके वजह से जो डिजीज़ होता है वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़. फिर उसके बाद फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन कोट इनमें एब्सेंट होता है, और इनका जो आरएनए है वो लो मॉलिकुलर वेट का होता है. प्रायोन्स की बात करें तो ये इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल, मतलब नर्व्स या फिर ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ कॉज करते हैं. ये अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, पी फॉर प्रायोन्स, पी फॉर प्रोटीन्स. इन्हों प्रायोन्स में प्रोटीन है लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे आरएनए नहीं है. लेकिन वायरॉइड्स की बात करें तो यहाँ पे आरएनए है, ओके, लेकिन प्रोटीन नहीं है. पैराग्राफ पढ़ते वक्त आपको पता चल जाएगा, मतलब दोनों थोड़ा ऑपोजिट करके समझ लो. यहाँ पे बस आरएनए लो मॉलिकुलर वेट का है, वो एक पॉइंट याद रख लो. उसके अलावा यहाँ पे साइज जो है वायरसेस से सिमिलर है. डिजीज जो कॉज करते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, इसे हम मैड काउ डिजीज़ कहते हैं. और इसका जो ह्यूमंस में दिखाई देने वाला वेरियंट सिमिलर फॉर्म जो है वो है क्रूसफेल्ट जेकब डिजीज़, ओके. उसके बाद लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं, क्योंकि दो ऑर्गेनिजम्स का साथ रहना ही एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, दोनों का एक दूसरे को फ़ायदा होता है. एल्गी और फंगाई, एल्गे को और फंगाई के कंपोनेंट को फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट रिस्पेक्टिवली बुलाते हैं. एल्गे फंगाई के लिए फूड बनाता है, खाना बनाता है, और फंगाई जो है एल्गे को शेल्टर, मतलब रहने के लिए जगह और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके देता है, पानी देता है. ये लोग पोल्यूटेड रीजन्स में ग्रो नहीं करते, ओके, लाइकेंस पोल्यूटेड रीजन्स में ग्रो नहीं करते. उसके अलावा समरी में सारे रिपीटेड पॉइंट्स एक्सेप्ट फॉर ये पॉइंट जहाँ पे एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, फिलीनिया साइफर विटेकर आए, और कुछ नहीं तो इतना ही था. आगे के लिए आप जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए.